फर्स्ट जमात नहुम जनरल साइंस अमले खाका नंबर ए कुवत और दबाव। सबसे पहले दिया गया है आइए समझे कुवत मुतल्लिका कुवत गैर मुतल्लिका कुवत रगड़ की कुवत मुतवाजन और गैर मुतवाजन कुवत इन सब के बारे में हमें सीखना है। इसका हवाला दिया गया है दर्जा अष्टम की दर्सी किताब सबक नंबर 3 कुवत और दबाव। मुतवक्का सलाहियतें होनी चाहिए। नंबर 1 कुवत के असरात की वजाहत करते हैं। नंबर 2 रोजमर्रा जिंदगी में मिसालों के जरिए मुतल्लिका गैर मुतल्लिका कुवतों की वजाहत करते हैं। नंबर 3 रोजमर्रा जिंदगी की मिसालों के जरिए मुतवाजन और गैर मुतवाजन कुवतों की वजाहत करते हैं। आइए ज़हन नशीन करें। कुवत फोर्स किसी चीज़ को उठाने टकलने या हटाने के दौरान जो ताकत लगाई जाती है उसे कुवत कहते हैं। कुवत के जरिए साकिन जिस्म को रफ्तार हासिल होती है। मुतहरिक जिस्म की सिम और चाल तब्दील होती है। इसी तरह मुतहरिक जिस्म को रोकने के लिए भी कुवत दरकार होती है। कुवत की किस्में। पहली किस्म है मुतल्लिका कुवत, यानी अशिया का एक दूसरे से ताल्लुक या रब्त होता है, जैसे कि कुवत रगड़। दूसरी किस्म है गैर मुतल्लिका कुवत, दो अज़्ज़ाम के दरमियान ताल्लुक ना हो तब भी इनके दरमियान कुवत का असर होता दिखाई देता है, जैसे कि मिकनातीसी कुवत, सक्री कुवत, बर्फ सकूनी कुवत। मुतल्लिका कुवत और गैर मुतल्लिका कुवत अशिया के एक दूसरे से रास ताल्लुक की वजह से या किसी और शय के जरिए रब्त में आने से जाहिर होने वाली कुवत को मुतल्लिका कुवत कहते हैं। मिसाल के तौर पर उठाना टकेलना खींचना वगैरह। गैर मुतल्लिका कुवत दो अजसाम के दरमियान ताल्लुक न हो तब भी इनके दरमियान जाहिर होने वाली कुवत को गैर मुतल्लिका कुवत कहते हैं। मिसाल के तौर पर मिकनातीसी कुवत, सकनी कुवत, बर्फ सकूनी कुवत। कुवत की मजीद अकसाम। मुतवाजन और गैर मुतवाजन कुवतों की खसूसियात। कुवत की पहली किस्म है मुतवाजन कुवत और दूसरी है गैर मुतवाजन कुवत। मुतवाजन कुवत में जिस्म की रफ्तार पर काबू किया जाता है। गैर मुतवाजन कुवत में जिस्म की रफ्तार बेकाबू होती है। अशिया पर कुवत के असरात। अगर किसी शय पर एक ही सिम से कई कुवतें अमल करें तो माँ हासिल कुवत इन कुवतों के मजमू के बराबर होती है। अगर एक ही शय पर मुखालिफ सिम से दो कुवतें अमल करती हो तो शय पर अमल करने वाली कुवत इनके फर्क के मसावी होती है। आइए मशक करें। सवाल नंबर 1 है दर्जे ज़िल तसावीर में कुवत की अकसाम पहचानिए। पहली तस्वीर की किस्म है गैर मुतवाजन कुवत और दूसरी तस्वीर में मुतवाजन कुवत। सवाल नंबर 2 है ज़िल के आमाल के दौरान मुतल्लिका और गैर मुतल्लिका कुवतों की निशान। नंबर 1 अलिफ दरख पर से फलों का नीचे गिरना गैर मुतल्लिका कुवत। बे तराजू का एक पल्ला नीचे की जानिब आना मुतल्लिका कुवत। बल्ले से गेंद को मारना मुतल्लिका कुवत। दाल मिकनातीस के जरिए लकड़ी के भूसे से लोहे की कीलें अलहदा करना गैर मुतल्लिका कुवत। हे बालों पर रगड़ा हुआ गुब्बारा दीवार पर चिपक जाता है गैर मुतल्लिका कुवत। सवाल नंबर 3 मुतल्लिका और गैर मुतल्लिका कुवतें जाहिर करने वाली मजीद चंद मिसालों की फहरिस्त बनाएं। मुतल्लिका कुवत की मिसालें हैं उठाना ढकेलना खींचना। गैर मुतल्लिका कुवत की मिसालें हैं मिकनातीसी कुवत, सकली कुवत, बर्फ सुकूनी कुवत। सवाल नंबर 4 है बर्फ सुकूनी कुवत एक गैर मुतल्लिका कुवत है। इस बात को साबित करने के लिए कौन सा तजुर्बा किया जाए तो जवाब में हम लिखेंगे बालों पर घिसे हुए कंधे की जानिब मेज पर रखे कागज के टुकड़े मायल होते हैं कंधे पर बर्फ सुकूनी के बर्फ की बार और कागज के टुकड़ों पर मुखालिब यानी गैर निशाबा बर्फ की बार होने से वो टुकड़े कंघे से चिपक जाते। आखिरी सवाल है आपके एतराफ़ में सकली कुवत के असर से जो वाक़ नुमा होते हैं इनके नाम लिखिए। जवाब सकली कुवत की वजह से अशिया जमीन की तरफ खींची जाती है। मिसाल के तौर पर आम के दरख से आम का दिल आबशार का पानी ऊंचाई से नीचे गिरना वगैरह।